हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम व्लॉगर। और मैं हूँ अरुणा। सो फ्रेंड, आज है गोवर्धन पूजा। सो आज के दिन हमारे यहाँ पे कच्चा खाना बनता है। सो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे दाल चावल, कढ़ी, बड़ा, रोटी, ये सब। दीपावली में का 3-4 दिन से लगातार पूड़ी, कचौड़ी और मिठाई, ये सब खाते खाते एकदम से मन ऊब जाता है। फिर लगता है फ्रेंड्स, कुछ हल्का खाने का मन करता है। तो इसलिए कच्चा खाना आज के दिन बनता है और बहुत अच्छा भी लगता है, पेट के लिए भी और वैसे भी। सो फ्रेंड, आज बन रहा है कच्चा खाना और उससे गोवर्धन जी की पूजा होएगी और उनको भोग भी लगेगा। सो फ्रेंड, हमारा दीपावली का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया हम लोगों को भी। दीपावली में काफ़ी पटाखे छुड़ाए, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, बहुत मस्ती करी, बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स, आप लोग की भी दीपावली कैसी गुजरी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से बात करते करते फ्रेंड्स, देखिए मेरा खाना भी रेडी होता जा रहा है धीरे धीरे, और ये देखिए कढ़ी भी बनने वाली है और बस अब कढ़ी छौंक रहे हैं फ्रेंड्स। इसके साथ धीरे धीरे पूरा खाना भी रेडी हो जाएगा, फिर इसके बाद हम गोवर्धन जी को बनाएंगे। हम भी बहुत अच्छे से गोवर्धन जी को बनाते हैं, काफ़ी अच्छे से उन्हें सजाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना। सो फ्रेंड्स, खाना तैयार हो चुका है। ये कढ़ी, दाल, रोटी, दही बड़ा के लिए और जीरा, और ये देखिए यहाँ पे मिर्ची, तलने वाली मिर्ची हैं, और पापड़। खाना पूरा रेडी हो चुका है, बस अब भोग लगाने के लिए और भगवान जी की पूजा करी जाएगी। सो फ्रेंड, देखिए ये मेरी भोग की थाली रेडी हो चुकी है। और आप लोग के यहाँ गोवर्धन पूजा में क्या क्या बनता है ये हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर गोवर्धन जी को सजा रहे हैं। हमारे यहाँ कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को हाथ में लिए हुए हैं, ऐसा ही रूप बनाया जाता है और उन्हीं की पूजा होती है। गोवर्धन जी हमारे पूरे बन चुके हैं, अब हम उनको सजा रहे हैं। क्यों तो फ्रेंड, देखिए यहाँ हमारे गोवर्धन जी बनकर तैयार हो गए हैं। हमने उनको खूब अच्छे से सजा दिया है और ये पर्वत जो लिए हुए हैं हाथ में कृष्ण जी, ये पर्वत को दीक्षा ने सजाया है। कितना सुंदर लग रहा है और कलरफुल लग रहा है। सब प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं, मौसमी फल और सब्जियां हैं। क्यों लगाए जाते हैं? गुरु पकवान अपान बन रहे थे, सुनने पूजा का नाम हो रहा, भगवान की पूजा के लिए होता है, क्योंकि वो हमें जल बरसाते हैं तभी हमें हमारी खेती होती है।
तो कृष्ण भगवान बोले नहीं पाता भाई, सब चीजें तो फल फूल पत्र सब हमें गोवर्धन पर्वत देता है, इंद्र का इसमें क्या रोल है? उनके बंद करो गोवर्धन महाराज की पूजा करो, इंद्र गुस्त होगा इनके क्या भाई पूजा नहीं हुआ। तब इंद्र ने गुस्सा में जल वृष्टि करी, तब इंद्र भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत। फ्रेंड पूजा स्टार्ट हो गई है, ये बैठकर यहाँ पर पूजा कर रहे हैं और पूजा में जो भी सामान चाहिए होता है वो हम इन्हें देते जा रहे हैं। पूजा में यहाँ पर बहुत सारी इस समय जितने प्रकार की सब्जियाँ होती हैं फल होते हैं वो सब चढ़ाए जाते हैं भगवान जी को। तो फ्रेंड यहाँ पर पूजा हो गई है, अब परिक्रमा लगाई जा रही है। खीले को हाथ में लेकर परिक्रमा लगाई जाती है, 7, 7, 11 जैसा भी जिसे लगाना हो। तो परिक्रमा लगाने के बाद फिर वो जो प्रसाद चढ़ा होता है उसको ग्रहण किया जाता है, और इसे सिर्फ जेंट्स लोग ही खाते हैं, लड़कियाँ नहीं खाती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय फ्रेंड।